हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए देखेंगे क्या नया क्वेश्चन किस क्या है, अवकल गुणांक का। अवकल गुणांक मतलब अवकल समीकरण, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव बोल सकते हैं, अवकलन बोल सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व करिए। देखिए, फलन या फिर एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स कोष्टक में 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक मतलब dy बटे dx ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष में, साइन इनवर्स एक्स के। चलिए पहले जान लेते हैं सापेक्ष कैसे हल किया जाता है। सापेक्ष मतलब बटे में किया जाता है ना, क्या कर देंगे, जैसे आपका है साइन इनवर्स, ठीक है, 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे सापेक्ष, किसके सापेक्ष का, अगर x के सापेक्ष का आता तो हम x के डिवाइड करते ना, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करते। अब साइन इनवर्स का है तो हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x। अब क्या कह रहा है, अवकल गुणांक मतलब dy बटे dx, d, ठीक है, d लगा दीजिए, मतलब अवकलन करना है, ठीक है। चलिए अब कर देते हैं, इसका अलग कर देते हैं, इसका अलग कर देते हैं, ठीक है, छोटा कर दें इसे। चलिए पहले इसका अलग अलग कर देते हैं, इसका डी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखना चाहे साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टैन इनवर्स, कुछ भी अगर इनवर्स के रूप में है उसके राइट साइड में कुछ ना कुछ फार्मूला सेट ही होगा, वह कैसे होगा वह दिमाग लगाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ यदि हम मान लें, क्या मान लें, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या मान लें, साइन थीटा, तो क्या हो सकता है, 2 sin थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो कॉस का बाहर मतलब कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया ना सेट फार्मूला। चलिए सेट करते हैं, तो माना क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये जो साइन है तो इधर आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इतना आया। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो डी वाई साइन, डी हटा दो, चलिए साइन इनवर्स 2 sin थीटा, एक्स के स्थान पर क्या माने हैं, साइन थीटा, वही वैल्यू पुट अप कर देते हैं, अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 2 sin थीटा। अब यहाँ देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कैसे, चूंकि आप सब जानते ही ना क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए ये साइन स्क्वायर जाए उधर जाएगा तो माइनस हो जाए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, तो वही लिखा गया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल कॉस थीटा बचेगा, सिंपल है ना, फार्मूला ही बेस पर है। चल तब साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा फार्मूला है ना, यहाँ क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा, फार्मूला तो याद ही कर लीजिए तभी आपको सवाल आएगा, अदरवाइज सवाल तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए क्या है, अभी साइन से साइन कट गया, क्या बचा 2 थीटा, तो 2 और थीटा का मान क्या निकाले थे, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स, चलिए इतना सॉल्व हो गया। अब क्या कर देते हैं, यहाँ हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, चलिए कर देते हैं, डी वाई बटे डी एक्स कितना मान निकला, 2 sin इनवर्स x अपान डी साइन इनवर्स x। अब देखिए इसे सॉल्व ही मत करीजिए, ये देखिए साइन इनवर्स x जो भी आए क्या होता है, अवकलन 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी तो कट जाएगा सीधा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 है ना, एकदम सिंपल, बट इसे क्या करना, प्रोसेस लंबा है, कब आएगा सवाल, जब आपको यह फार्मूला सेट करना होगा, तो जैसे यहाँ है फार्मूला सेट करिए, याद कैसे सेट करेंगे,
कोई भी यूनिवर्स में रहे बायलो तो उसके राइट साइड में कुछ ना कुछ ऐसा फार्मूला दिया ही रहता है सेट कराने के लिए कि वह सेट हो जाए ऑटोमेटिक, बस फार्मूला रखना है। ठीक है, चलिए इसी मॉडल हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट सवाल पर।